वो पेपर छूटा, हम लोग एनालिसिस कराते हैं, लाइव एनालिसिस, मतलब सीधे बोर्ड से ही शुरू हो जाते हैं। तो मैं एनालिसिस करा के अपने हिंदी की और जीके की आया, तो 5:37 के आसपास एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर देखो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम हमारे पास सुबह ही आ गया था। सबसे पहले जब आपने ये बात सामने लाई तो उस समय कैसा लग रहा था? मुझे लगा था कि ये कोई FIR वगैरह दर्ज ना कर दे, क्योंकि जैसे सबसे पहले क्या होता है गवर्नमेंट का कि वो FIR दर्ज कर देती है, फिर आदमी शांत हो जाता है। मुझे लगा FIR वगैरह दर्ज ना कर दे, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं आवाज तो उठाते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन 24 तारीख को भी हम लोग भूखे प्यासे से दोपहर में कैंसिल हुआ, तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, बच्चों की धक्का मुक्की, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे हॉस्पिटल में पुलिस से लेके गए एडमिट कराने, तो वही STF वाले आ गए। हम वहाँ पे तो STF को देख के इंसान वैसे घबरा जाता है थोड़ा सा कि STF आ गई। मेरे एक अंकल है वो पुलिस में है, उनके थ्रू पता लगाया, उन पर दबाव बनाया, फिर जो मेरे गांव के प्रधान, मतलब अब इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी गांव के लोगों को लगा, प्रधान वगैरह को, सबको, कि ये कोई क्राइम वगैरह कराया बड़ा, वहाँ से फ़ोन आ रहे, वहाँ से फ़ोन आ रहे, SP का भी तुम्हारे ही कौन है, जब 23 को जा रहे थे तो RO के लिए हमने आवाज़, RO के लिए भी सबसे पहले ट्वीट मेरा ही था, तो RO की जब इन्होंने नहीं सुनी तो हमें ये नहीं था कि UP पुलिस का भी ऐसे लीक होगा, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड की मैम थी उनके बारे में बहुत सुना था, उनके तैयारियों के बारे में सुना था, अब बहुत ज़्यादा, और अब बच्चे उस चीज़ को भाप गए कि अच्छा ये तो मतलब अच्छी चीज़ है, उन्होंने उसकी कमजोरी पकड़ ली कि अब वो बोले अब अच्छा अभी इतना किया है, इतना टाइट किया है, तो ये थोड़े से अब ज़्यादा टाइट कर देंगे तो शायद ज़्यादा, वो इस बात को कहते हैं कि यार ये अब तो सर ज़्यादा टाइट करेंगे। मैं तो कहूँगा कि शुरुआत से ही जहाँ से मतलब एक पेपर की एग्ज़ाम शुरू होता है फ्रॉम फॉर्म फिल्म से लेकर पूरा उसको प्रॉपर एक इतना आज टेक्नोलॉजी उसको एक बेहतर रूप दीजिए।